घंटे में यू टर्न ले लिया उस नेता ने, जो ये कहते थे कि ये बच्चे जब तक न्याय नहीं मिले, सीबीआई की जांच नहीं होगी तब तक खुलासा नहीं होगा, मर जाऊंगा, गल जाऊंगा, धूप हो बरसात हो मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। और अरुण सिंह जी की एक थड़ी पड़ी और वो कहाँ गए बच्चे? बच्चे अगर वो परीक्षा देने वाले बच्चे होते तो उनके साथ जाते क्या? वो अपना आंदोलन जारी रखते। इससे पूरी तरह स्पष्ट है कि किरोड़ी लाल जी मीना ने जो धरना दो दिन तक चलाया वो उनके अपने व्यक्तियों के साथ में एक सस्ती लोकप्रियता के लिए किया। लेकिन जब पता लगा कि भाजपा साथ में है, जब पता लगा कि परीक्षा सही हुई है, जब पता लगा कि 31,000 परिवारों के वो बच्चे जिनका सिलेक्शन होना है वो इनके खिलाफ हैं, तो कल उनका बयान चेंज हो गया कि अगर जांच में सही पाया जाता है तो तुरंत नौकरी दें। तो दोनों घोड़ों पे नहीं चढ़ा जाता, एक घोड़े पे चढ़ ले मेरा भाई। या तो ये कह दे कि गलत है, जब तक जांच नहीं होगी मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, तब तक ये लड़के उठेंगे नहीं। तो लड़के तो थे ही नहीं उनके साथ में, 10-20-50 जो वो अपने लाते हैं हमेशा साथ में रखते हैं वही लोग थे। अगर एक भी बेरोजगार जो रीट दिया हुआ होता तो वो किरोड़ी लाल मीणा के अरुण सिंह जी के कहने से जो उठ के गए तो वो उसके साथ में नहीं। आज बीजेपी का युवा मोर्चा आपके गृह क्षेत्र में बड़ा प्रदर्शन, कोई बात नहीं, चिंता नहीं, ये करे तो सही, 2.5 साल में कुछ कर ही नहीं। ट्विटर और मुख्यमंत्री खेल रहे हैं। कल वो राजवर्धन सिंह जी और आ गए कि साहब मैं भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूँ, तो ये 9-10 हो रहे हैं, ये बढ़ते जाएंगे।